अति प्रिय जानी महेश सिखाए कि बार बार बिनवाऊ मुनि तोही जिमी यह कथा सुनाए उमोही तिमि जनि हरि सुनाए कबहु। एक काम करिएगा, किसी को बताइएगा मत। तो कहा अच्छा कहा, और विशेष कर हमारे नारायण को मत बता दीजिएगा, उनसे इस बारे में चर्चा मत कर लीजिएगा। अरे उन्होंने कहा उन्हीं के पास जा रहा था मैं अब इसके बाद, गलती से नहीं। तो नारद जी ने कहा ठीक है चलिए, अब आप कह रहे हैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी उनको मालूम पड़ गई होगी तो, कभी वो हमसे पूछ लेंगे तो मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। ध्यान दीजिए, जब हम लोग कई बार हम लोग से होता है ना, कोई कहता है कि देखो ये बात मत बताना, तो हम लोग कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन अगर उनको पता पड़ गया होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे बताना ही पड़ेगा, मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं इस संसार में। तो नारद जी ने कहा उनको पता पड़ गया होगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। उन्होंने कहा झूठ बोल देना, आपसे कह रहे हैं हम, वो हमारे प्रभु बड़े कौतुकी हैं, मजाक मस्ती में भी आपसे छेड़ देंगे। क्यों नारद जी ऐसा कुछ हुआ क्या? गलती से भी बात मत निकाल लेना वहां पे ऐसी कोई, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी ये, फिर आप फिर बख्शे नहीं जाएंगे नारद जी वहां पे। तो तिमि जनि हरि ही सुनाए कबहु और चले उ प्रसंग दुराए तबहु। उसको हटा देना, छेड़ना मत बात को। तो नारद जी ने सोचा वाह देखो इन्हें, ये त्रिदेव बने फिरते हैं, त्रिदेव है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ईर्ष्या जलन द्वेष से भरे हुए देवता अपने आप को पुजवा रहे हैं, भोले भंडारी बने घूम रहे हैं समाज में, अब बंद कमरे में हमसे कह रहे हैं किसी को बता मत देना नारद जी, क्योंकि इनकी क्या इज्जत रह जाएगी फिर, कामारी इनको कहते हैं जब हमको भी कहने लग जाएंगे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वाह बहुत अच्छा है। और महादेव बार बार कह रहे हैं आपके हाथ जोड़ता हूं, नहीं कहोगे ना, नहीं कहोगे तो कुछ कह नहीं रहे, ऊपर से कह रहे देखूंगा देखूंगा समय के साथ देखूंगा, अभी मुझको थोड़ा सोचने दीजिए। तो शंभु दीन उपदेश हित लेकिन नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु कि हरीक्षा पलवान। आज इतना बड़ा हितोपदेश, महादेव हित में कह रहे हैं, नारद जी मत कहना, नारद जी किसी को कुछ मत कह देना, लेकिन नारद जी तो मानने वाले नहीं, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि यही होनहार है, ये प्रभु की होन करनी है, ये भावी है भावी। अब महादेव बार बार कह रहे हैं नारद जी, राम कीन चाहई सोई होई और करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो हुआ है वो राम जी की कृपा से हुआ है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता नारद जी, विश्वास करिए मेरी बात का। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, मैं विदा चाहता हूँ। निकले वहां से और निकल के पहले तो गए ब्रह्मा जी के पास, माने ब्रह्मा जी के पास क्या, अपने घर गए स्नान ध्यान करने थोड़ा तैयार होने, और वहां से निकल के सीधे वहीं पहुंचे। मैंने कल आपसे क्या बात कही थी ध्यान दीजिएगा, मैंने जो सुन रहे होंगे कल कथा में होंगे, मैंने कहा था कि नारद जी महाराज से जो कहोगे वो उसका उल्टा ही करेंगे, उनको जो बात आप मना करेंगे वही करेंगे, दाएं तो बाएं। कहा था ऐसा है कुछ भी हो जाए नारायण के पास मत जाना, उनसे मत बताना, जमाने में गाते हुए घूमो, हमसे कोई मतलब नहीं। तो नारद जी ने क्या किया जानते हैं, तैयार हुए और क्षीर सिंधु कवने मुनि नाथा जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। क्षीर सागर पहुंच गए जहां पर नारायण विराजमान थे, तो नारायण ने देखा जैसे सामने से, मान लीजिए नारद जी चले आ रहे हो, तो नारायण शेषनाग पर लेटे हुए थे, देखा अरे हमारे मुनिवर आ रहे हैं, तो उठ गए तुरंत और उठ गए दौड़ गए उनसे गले मिलने, गले मिलने दौड़े हर्षि मिले उठी रमा निकेता। तो जैसे ही दौड़े उठ के तो नारद जी को लगा कि अब शायद इनको पता पड़ गया है कि हमने सब कर लिया है, हम इनके बराबर हो गए और ये मान गए हैं इस बात को, वरना क्यों उठ के आए सम्मान करने के लिए, क्यों हमारा इतना सम्मान खड़े हो गए, इसका मतलब अब इनको पता पड़ गया, इनने स्वीकार लिया है कि हम इनके बराबर हो गए। तो क्या हुआ जानते, भगवान गए अरे नारद जी यूं दौड़े तो नारद जी गले मिले और गले में हाथ डाला प्रभु के तुरंत। तो भगवान को समझ आया ये क्या हो रहा है, तो गले में हाथ डाल के आए आए और आकर के सीधे जहां भगवान बैठते ना वहीं उनके आसन पे साथ में जाके बैठ गए। बैठे आसन ऋषि ही समेता, वहीं जाके बैठ गए जहां भगवान बैठते।
क्योंकि उनको लगा तो बराबर का हूं मैं भाई, बराबर में ही बैठूंगा मैं, इनके बराबर का सम्मान मुझको चाहिए। लेकिन एक बात आप बताइए, भगवान कहाँ बैठते हैं? भगवान का क्या है आसन? शेषनाग माने सांप, नाग देवता। सांप पर भगवान पैर रख दे तो रख दे, वो तो प्रभु है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम और आप क्या सांप के ऊपर पैर रख सकते हैं? तुरंत उसका आशीर्वाद मिलेगा खट से। अरे जो अहिसेज सयन हरि करही, तो बुध की छुतिन कहा दोष न धरही, भानु कृषानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही, शुभ अरु अशुभ सलील सब बहाई। माता गंगा में शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा सब बह रहा है। लेकिन आप बताइए, क्या माता गंगा की पवित्रता में कोई कमी आई कभी? सुरसरी को अपुनीत न कही, क्योंकि समरथ कहू नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। लेकिन जौ अस हिसिखा करही नर, हिसिखा ठेठ अवधि शब्द है, हिसिखा माने होड़, राइवलरी कॉम्पिटिशन की भावना। जौ अस हिसिखा करही नर, जड़ विवेक अभिमान पर ही कलप भरी नरक महु, क्योंकि जीव की इस समान। क्या जीवात्मा परमात्मा की बराबरी कर सकता है कभी? बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन नारद जी महाराज तो जाकर के बगल में बैठ गए हैं, तो बगल में बैठे तो प्रभु ने सोचा कोई बात नहीं, भगवान तो सम्मान और अपमान के सारे प्रपंच से परे रहते हैं। तो भगवान ने कहा नारद जी से, क्यों मुनिवर? अरे मुनिवर, आज तो ईद का चांद हो गए, हम लोगों की याद ही नहीं आती आपको, कभी हमारे लिए भी समय निकाल लिया करो, हमसे भी मिलने आया करो, अब तो आप बहुत बड़े हो गए। हाँ, ऐसा कहाँ व्यस्त रहते हैं, हम लोगों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं आपको। बोले बिहसी चराचर राया, कि बहुते दिनन कीन मुनि दाया। बहुत दिनों से हमारी तो आपको कभी याद ही नहीं आती, हमें कभी मिलने नहीं आते हो आप। तो नारद जी ने कहा प्रभु क्या करूं, थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं, और प्रभु मैं आपके पास एक प्रस्ताव लेके आया हूं, ध्यान दीजिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, अरे बताइए क्या बात है नारद जी। कहा बस उसी लिए आया हूं आज थोड़ा सा, और तो ऐसे तो समय मिलता नहीं मुझे, आप जानते हैं, लेकिन बड़ी जरूरी बात है। क्या जरूरी बात? कहा प्रभु मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अंग्रेजी में कहावत है कि देयर इज वन थिंग कॉन्स्टेंट, दैट इज चेंज। एक ही चीज यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, अटल है, कि सब कुछ चलायमान है, कुछ भी निरंतर नहीं, परिवर्तन। कहा वो तो है। और कहा प्रभु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर परिवर्तन चेंज अपग्रेड के साथ हो, माने विकासशील परिवर्तन हो, तो उसका क्या कहना है? ये नहीं पहले सड़कें बनी थी बाद में गड्ढा हो गया, गड्ढा था वहां सड़क बन गई, ये परिवर्तन हो गया। तो कहा विकास के साथ परिवर्तन हो तो क्या कहना? नारद जी से भगवान ने कहा ये विकास, ये परिवर्तन, ये अपग्रेड, ये क्या बातें कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा नारद जी, बताइए तो। कहा दरअसल बात ये है प्रभु कि ये त्रिदेव, तीन देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सुन सुन करके जनता बोर हो गई है। वही तीन देवता, वही ब्रह्मा विष्णु महेश का चेहरा देख करके जनता को कुछ नया चाहिए, कुछ थोड़ा सा अच्छा हो जाए, कुछ नया। तो कहा क्या अच्छा हो जाए? कहा प्रभु यही यदि त्रिदेव को चतुर्देव में बदल दिया जाए, एक नया और बगल में कुर्सी लगा दी जाए, तो कितना नया नया हो जाएगा, जनता भी खुश हो जाएगी, और एक अपग्रेडेशन हो जाएगा, चार चार देवता बैठ जाएंगे, बगल में एक कुर्सी और लग जाए। तो भगवान ने कहा रे वाह नारद जी, आपका प्रस्ताव तो अति उत्तम है, हमको बड़ा मंजूर है। अरे लेकिन नारद जी कोई ऐसा मिले तो इस लायक, कोई तो हो जिसको बगल में कुर्सी लगाई जाए, किसको कहें हम? नारद जी बोले प्रभु दास आपके सामने बैठा हुआ है। अच्छा नारद जी, तो आप बगल में कुर्सी लगाने का मतलब हो गया? अरे प्रभु कैसी आप बात कर रहे हैं। अरे प्रभु वो महादेव को तो काम को जलाना पड़ा, काम को, और काम खुदा के दंडवत किया है हमारे पास, जानते हैं आप। और क्रोध की बात ध्यान दीजिएगा, क्रोध की बात प्रभु कोई जाने ना जाने, लेकिन हम तो आपको जानते ही हैं,
क्या जानते हैं, क्या जाना आपने? कहा प्रभु, प्रभु जी की लात आपने खा ली तो बड़ा सबको कह दो क्रोध को जीत लिया। हमें मालूम है कि आपको पता पड़ गया था कि प्रभु जी टेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले किसके पास गए थे? महादेव, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी से पता पड़ गया क्रोध का टेस्ट है, दूसरे पहुंचे महादेव के पास। तब तक नारायण के पास ये बात आ गई कि क्रोध का टेस्ट आई नहीं, लेकिन नारद जी सोच रहे कि आप सब जानते थे इसीलिए तो आप नहीं उठे, इसीलिए तो आपने लात नहीं खाई, और दूसरे समझ रहे हैं कि आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। आपको सब मालूम था ना? हमें मालूम है, सबसे आखिरी में आपके पास आए थे, तब तक तो पेपर लीक हो ही जाता है। एक बार तो लीक हो गया था तो आपने क्या करेंगे? हमें मालूम था कि आपने क्रोध की परीक्षा, वो सब जानते हैं हम, आपको मालूम था। लेकिन प्रभु हमने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली, जानते हैं, क्षमा कर दिया कामदेव को। तो बगल में कुर्सी लगनी चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा कि ऐसा है नारद जी, आपने क्रोध को जीता, काम को जीता, आपका प्रस्ताव तो हमें मंजूर है, लेकिन नारद जी हम अकेले क्रोध को जीते हैं और महादेव अकेले काम को जीते हैं, तो आप तो अकेले दोनों को जीते हैं, तो आप हमारे बगल में बैठ सकते हैं, लेकिन हम आपके बगल में बैठने लायक थोड़ी अब रह गए। क्या मतलब? कहा मतलब यह है नारद जी की प्रस्ताव तो आपका मंजूर है हमें, लेकिन अब क्या होगा? अब होगा ये कि तीन कुर्सियां लगेंगी नीचे और उसके ऊपर सबसे ऊपर चेयरमैन, चार एमडी के ऊपर जैसे चेयरमैन होता है हमारे विभाग में, वैसे ही कहा कि हम तीन बैठेंगे नीचे और उसके ऊपर सबसे ऊपर आपकी कुर्सी लगेगी। अब हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, नारद जी तो रूख बदन कही मृदु वचन बोले श्री भगवान। नारद जी अब हमारा क्या होगा, हमारी पूजा कौन करेगा? अब तो सब आपकी पूजा करने लग जाएंगे, अब तो आप ही सबसे बड़े देवता हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मधुमान। अब सब आपको ही पूजने लग जाएंगे, अब हमारा क्या होगा नारद जी? तो नारद कहे शहीद अभिमाना। माताओं बंधुओं, पूरे नारद मोह प्रसंग में केवल दो बातें हैं जो नारद जी महाराज को बचा ले गई, क्या? उसमें पहली बात यही है, नारद कहे उस सहित अभिमाना कि कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। प्रभु ये भी तो आप ही की कृपा है, यदि मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरा ये हो रहा है, सब सत्कार हो रहा है, तो ये भी तो आप ही की कृपा है। भगवान समझ गए कि नारद जी महाराज के मन में अभिमान तो आ रहा है, लेकिन अभी शरणागत है भक्त, अभी बाहर नहीं गया है। देखिए अभिमान भी दो तरीके के हैं, और भगवान को दोनों तरीके के अभिमान को तोड़ने के दो तरीके उनके पास भी हैं। क्या? या तो रावण की तरह अभिमान होगा, और या नारद जी की तरह होगा, गरुण जी की तरह होगा। हो ही कीन कबहू अभिमाना सोई खोवै चह कृपा निधाना। तो या तो नारद जी की तरह अभिमान होगा, गरुण जी की तरह अभिमान होगा, और या फिर रावण की तरह अभिमान होगा, राक्षसों की तरह अभिमान होगा। तो भगवान का इलाज दोनों के लिए अलग अलग दवाई है। तो यहां भी क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि भक्त अभिमान तो है, लेकिन अभी हमारी शरण में है। करुणा निधि मन दीख बिचारी कि उर अंकुरे उ गर्भ तरु भारी। ध्यान दीजिएगा माताओं बंधुओं, जैसे कोई पीपल का बरगद का पेड़ होता है ना, और मान लीजिए कि आपके घर में कोई पीपल बरगद का पेड़ उगने लग जाए, छोटा सा दिख जाए, तो आप क्या उसे बड़ा होने देंगे? आप क्या करेंगे, उसको निकाल के कहीं और रोप देंगे, क्योंकि उस पेड़ की जड़ें फैलती हैं नीचे, और जब बड़ा हो जाएगा वो पेड़ तो वही जड़ें फैल के और घर की दीवार को उखाड़ के फेंक देगा। तो कोई भी मकान मालिक ये नहीं चाहता कि उसके घर पे कोई नुकसान हो, दीवारें टूटे, बड़े होने के बाद क्या होगा। तो वैसे ही ये जो भक्त का हृदय होता है ना, ये भगवान का घर है, मकान मालिक है भगवान वहां के, तो भगवान क्यों चाहेंगे कि हमारे घर पे कोई इस प्रकार का नुकसान होगा। तो क्या किया, बोले करुणा निधि मन दीख बिचारी उर अंकुरे उ गर्भ तरु भारी बेगी सो मैं
डारी हूँ उखारी, उसको मैं जल्दी उखाड़ के भेज दूंगा, क्योंकि पन हमार सेवक हितकारी। मेरा प्रण है कि मैं अपने भक्तों के हित के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, मैं करने को सदैव तैयार रहता हूँ। मुनि कर हित मम कौतुक होई। भगवान कह रहे हैं कि यदि मेरे भक्त के हित के लिए मुझे श्राप भी क्यों ना खाना पड़ जाए, मुझे वन वन भटकना पड़ेगा, यही तो होगा ना। ये सब तो मेरे लिए कौतुक की बात है, मजाक मस्ती की बात है मेरे लिए, इतने कृपालु है हमारे भगवान। देखिए, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं वही उपाय करूंगा, वही उपाय करूंगा जिससे नारद जी महाराज का हित हो। तो माताओं बंधुओं क्या किया जानते हैं उन्होंने? उन्होंने यह किया कि नारद जी महाराज से तो कहा कि देखिए ऐसा है, अब थोड़ा सा आपने अभी प्रस्ताव दिया है और बनाने में इसको सब सेटिंग जमाने में टाइम लगेगा, तो आप जाइए, हम प्रस्ताव मंजूर करते हैं, उसके बाद आपके लिए चौथी कुर्सी लगाने का या ऊपर हमारे भी ऊपर लगाने की हम सब तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, आप जाइए। अब नारद जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से निकले, चलो अब काम हो गया। महादेव तो झूठे ही हमें डरा रहे थे कि नारायण से मत बोलना, और नारायण तो देखो काम करने तैयार हो गए। तो क्या हुआ कि नारद जी निकले, भगवान ने एक लीला बीच में कर दी, बीच में अपनी माया का संचार कर दिया। क्या किया जानते हैं माताओं बंधु? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो रामचरितमानस की हर अर्धाली अपने आप में, मैं बस 9 दिन ये बात तो अवश्य कहूंगा ताकि आप रट लें इस बात को। माताओं बंधुओं ध्यान दीजिए, मैं ये कह रहा था कि हर अर्धाली अपने आप में जीवन जीने की कला सिखाती है, उसमें भी ये जो नारद मोह प्रसंग है ना, ये ऐसा प्रसंग है कि ये हर व्यक्ति के साथ रोज घटने वाली घटना है, रोज घटने वाली, रोज घटती है। हम बड़ी सूक्ष्मता से इसको देखेंगे, ये इतना मस्ती मजाक का प्रसंग नहीं है जितना हम लोग उसको लेते हैं, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है साथ में। देखिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने सोचा कि नारद मुनि हमारे काम और क्रोध को जीत चुके हैं, गलतफहमी है उनको, तो उनको किसी प्रकार सबक सिखाया जाए। लेकिन भगवान नारद जी महाराज को सबक सिखाना इतना आसान नहीं था भगवान के लिए। अरे भाई, जो ब्रह्मा जी के पुत्र होंगे, जो 24 घंटे नारायण नारायण कहते होंगे, इतनी आसानी से आ जाएंगे वो? बड़ी उनको मशक्कत करनी पड़ी है उसमें। माने जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में शब्द है हनी ट्रैप, हनी ट्रैप करना कमजोरियों को। मैं आपको बताऊं, कोर्ट का पूरा में कथा थी मेरी, तो पंजाब में कोर्ट का पूरा, पंजाब हरियाणा, क्योंकि महाराज स्वामी जी के कितने शिष्य यहाँ बैठे, तो कोर्ट का पूरा में कथा थी। प्रसंगवश हमसे पहले वाले महात्मा जी इसी पे कुछ कह रहे थे, तो मेरी बारी आई तो मैं भी थोड़ा कहने लगा, तो 1-1.5 साल पहले बात है, तो मैंने कहा कि देखिए ये हनी ट्रैप था। तो जब जैसे ही नीचे आया रात में, तो सब महात्माओं ने कहा कि महाराज जी जैसे ही आप बोल रहे थे हनी हनी, तो हमको लगा कहीं हनी प्रीत ना कह रहे हो आप, ये पंजाब बड़े भक्त है उनके। अरे मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात मैं नहीं कहूंगा। तो देख मैं कह रहा था हनी ट्रैप एक शब्द है, माने फसाना चाल में। तो नारद जी के लिए भी बड़ी मशक्कत हुई है, क्या किया? सबसे पहला काम किया कि बिरचेउ मग महु नगर ते ही सत जो जन विस्तार, 100 योजन लंबा नगर बनाया। क्यों? देखिए माताओं बंधुओं, छोटा सा नगर बना दे वो, बिरचे उमग महो नगर ते ही सत जो जन विस्तार। फिर भगवान ने सोचा कि नारद जी महाराज हमारे श्रीनिवासपुर में, तो उनका रोज का आना जाना है, और यहाँ के वैभव को देख के, यहाँ की संपत्ति को देख के, यहाँ की सुंदरता को देख के जिस मुनिवर का मन विचलित नहीं हुआ, इसका मतलब है इससे भी कुछ अच्छा, इससे भी कुछ सुंदर बनाना पड़ेगा। तो श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, उससे भी अच्छा कुछ बनाया। तो क्या किया? बोलते ही पुर बसई शील निधि राजा, और अगणित हय गय सेन समाजा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, और श्री विमोह स्वरूप निहारी। ये एक सूत्र और समझ लीजिए, जीवन में बहुत लाभदायक रहेगा ये सूत्र। गोस्वामी जी ने
वेदांतिक दृष्टि से इसको सूत्र को लिखा है श्रद्धालु को। माताओं बंधुओं, कन्या का नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का क्या अर्थ होता है? विश्वमोहिनी का अर्थ होता है कि भाई जो जिसपे विश्व मोहने की ताकत हो, जिसपे सारा विश्व मोहित हो जाए, वही तो विश्वमोहिनी हुई। श्री विमोह जिस रूप निहारी, माने श्री माने माता लक्ष्मी भी और श्री माने पैसा भी, धन भी, दोनों बातें श्री। तो विश्व भी मोहित है, श्री भी मोहित है, ऐसी विश्वमोहिनी। आप लोग एक बात बताइए, क्या हम और आप ये नहीं चाहते कि हम लोग भी विश्वमोहिनी हो, माने हम पर भी विश्व मोहित हो, हमारे किसी हमारे स्वभाव पे हो, हमारे आचरण पे हो, हमारे हमारी बात करने पे हो, हमारी तपस्या किसी पर भी हो, हम भी मोहित कर ले, हमसे भी लोग प्रेम से मिले, हमसे भी मिलना चाहे, सब लोग चाहते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं चाहता। तो विश्व मोहिनी होने की ताकत यदि आपको चाहिए तो उसके लिए क्या आवश्यक है, बस यही समझ लीजिए। विश्व मोहिनी के जनक कौन है? जनक है शील निधि। यानी यदि आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर विश्व मोहने की ताकत हो तो आपको भी शील निधि बनना पड़ेगा, शील का भंडार बनना पड़ेगा। कहने का अर्थ है विनम्रता का भंडार बनना पड़ेगा, आचरण से आपको शीलवान होना पड़ेगा। क्योंकि माताओं बंधुओं, इस संसार में कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, कोई कितना भी विद्वान क्यों ना हो, हम और आप उसके पास कभी जाना पसंद नहीं करते जिसके अंदर दो अवगुण हैं, या तो क्रोध और दूसरा अभिमान। यदि वो अंदर है उसके समझ में हमको आ गया कि व्यक्ति अभिमानी है नंबर एक, और दूसरा क्रोध ही है, तो उसके पास हम और आप कभी बैठना पसंद नहीं करेंगे। आपको भी चाहिए कि आप विश्व आपसे मोहित हो जाए, तो शील का भंडार बनने का प्रयास करिए, विनम्रता का भंडार बनने का प्रयास करिए। जितना आप दूसरों के सामने, एक बात समझ लीजिए, झुकना कोई कमजोरी नहीं है, झुकना, प्रणाम करना, नतमस्तक करना कोई कमजोरी नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात, नारायण नारद जी महाराज को सम्मान दे रहे थे, कहने का अर्थ है सम्मान देने वाला सदैव सम्मान लेने वाले से बड़ा होता है, इसलिए किसी को सम्मान देने से सब ही मान प्रद आप अमानी भरत प्रांसम ममते प्राणी, जो दूसरे को मान दे और अपने को अमान रखे, भगवान भी उससे प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। तो इसलिए शील का भंडार होना आवश्यक है, ये सूत्र दे रहे हैं। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा, विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी, तो करें स्वयं बरते ही नृप बाला। नारद जी को पता पड़ा कि वो स्वयंवर कर रही है कन्या। अब ये भी नारद जी महाराज की कमजोरी में ही है, नारद जी महाराज हैं ज्योतिष विज्ञान के आचार्य भी, हस्तरेखा विशेषज्ञ, जन्म पत्रिका विशेषज्ञ। आप बताइए, कल भी चर्चा की, माता पार्वती के यहाँ किसी ने बुलाया था क्या कि आइए हमारी बेटी का हाथ देख लीजिए? कौतुक ही गिरी गेह सिधाए, खुद ही चले गए वो। आप और देखिए, अरे भाई विचार करिए, भगवान श्री राम के समय तो बारात पहुंचने के बाद हुआ था, ग्रह तिथि नखत जोग बर बारू लगन सोधि विधि कीन विचारू। लेकिन नारद जी ने कहा, आपने पत्रिका निकाल ली, वो आपकी जगह है, लेकिन देख देने में ही जाऊंगा क्योंकि नाम तो मुझे शौक है। तो पठे दीन नारद संसोई, गनी जनक के गनकन जोई। तुमको जन्म पत्रिका विवाह और 36 गुण मिलेंगे कि 35 मिलेंगे कि 28 मिलेंगे, जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक कैसे होगा, इसका बड़ा शौक है उनको। तो ये कमजोरी कहा, अच्छा कन्या का विवाह हो रहा है, अब हमको पता भी नहीं पड़ा, हम जब तक हस्तरेखा नहीं देखेंगे कैसे बता पाएगा कि कन्या का कौन वर है। हम जा रहे हैं तो करें स्वयंवर तेहि नृप बाला, और आए तह अगणित महि पाला। बहुत सारे राजा आए थे विवाह करने के लिए। माताओं बंधुओं क्या हुआ, भगवान ने ये भी वैसे शिकंजा है, भगवान ने कहा ऐसा है नारद जी महाराज, बस जैसे ही आए ना, ज्यादा बात मत करना, सीधे कन्या को दिखा देना और हाथ दिखा देना उनका। तो कहा प्रभु उससे क्या होगा? कहा लेकिन एक बात ध्यान रखना। कहा क्या प्रभु? ध्यान क्या रखना है?
कहा ध्यान ये रखना कि पार्वती जी के समय में, ध्यान दीजिएगा, ध्यान ये रखना कि पहले नारद जी से कन्या के गुण पूछना, बाद में दोष पूछना। पार्वती जी के समय ये पॉइंट टू बी नोटेड हो गया था कि नारद जी उल्टा काम करते हैं। क्या हुआ था, कल हम लोग चर्चा किए कि नहीं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, और कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। तो क्या नारद जी ने पहले दोष बताया था, वो तो सुंदर सहज सुशील सयानी, गुण बताने लग गए थे, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई है संतत पियही प्यारी। तो पहले गुण बताने लग गए थे, भगवान ने कहा ऐसा करो इस बार पहले गुण ही पूछ लेना आप। कहा उससे क्या होगा प्रभु, गुण पूछ के लेंगे तो क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या आवश्यकता थी ऐसा करने की, आवश्यकता ये थी माताओं बंधुओं कि भगवान ने बनाई थी विश्वमोहिनी, जिसके रूप को देख करके श्री विमोह जिस रूप निहारी, माता लक्ष्मी भी मोहित हो जाती थी। लेकिन नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, चौबीसों घंटे नारायण नारायण कहने वाले, अरे काम देव जिनके सामने नतमस्तक हो गया, चाहे प्रभु की कृपा से ही हुआ हो तो गया ना। भगवान जानते थे कि मैं कितनी भी सुंदर कन्या क्यों ना बना दूं, एक बात सदैव याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपको अगर जांच पड़ताल करनी हो ना थोड़ी बहुत, तो आप ये देखिएगा कि वो जब आपके घर आए तो वो घर में कन्याओं की तरफ तो ज्यादा नहीं देख रहा है इधर उधर, अगर वो पहली बार आया है तो। उससे उसके चरित्र का पता पड़ेगा, वो आकर के ज्यादा इधर उधर देखिए, आपके घर में बड़ी अच्छी सीनरी लगी है, अच्छी फोटो लगी है और बड़ा अच्छा वो कोई पॉट रखा है, तो वो देख रहा है तो उसको मत समझ जाएगा कि कोई गड़बड़ है, वो तो देख सकता है। लेकिन अगर वो ज्यादातर महिलाओं की तरफ देख रहा हो और कन्याओं की तरफ देख रहा हो तो समझ जाएगा कहीं ना कहीं कुछ उसके उसमें गड़बड़ है बात में। तो मतलब इसका ये भी नहीं कि माताओं की तरफ देख रहा हो, कहने का मतलब अपने से कम उम्र की कन्याओं की तरफ देख रहा हो, तब ये समझिएगा कि वो चरित्र में उसके कुछ गड़बड़ है। क्योंकि शालीन व्यक्ति जो होता है ना, वो जब किसी के घर में पहली बार जाता है तो केवल उसी से बात करता है और बहुत शालीनता से बैठता है, इधर उधर ताका झाकी नहीं करता। हाँ दूसरी बात यह है कि वो ऐसा आपके यहाँ का हो जिसका किचन तक आना जाना हो, कोई पुराना मित्र हो तो उसके ऊपर नहीं सोचना है अपने को, लेकिन कोई पहली बार आ रहा। तो भगवान भी जानते थे कि नारद जी महाराज जो परम तपस्वी हैं, मैं कितनी सुंदर भी कन्या क्यों ना बना दूं, अरे जब वो चेहरा देखेंगे ही नहीं तो सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाएगी, मोहित कैसे होंगे। क्या किया उन्होंने, ये किया उन्होंने, कहा ऐसा है पहले गुण पूछना, गुण बाद में दोष पूछना। तो राजा ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें, हमें कौन सा उसमें बहुत बड़ी परेशानी। अब उससे क्या होगा, उससे हुआ ये, नारद जी पहुंचे और राजा जी इसीलिए तैयार थे, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी। क्या बोला राजा जी, क्या बोले, बोले कहऊ नाथ गुण दोष सब एही के हृदय विचारी।